के डोमिनेट करते हुए इंडिया ने अपने खातिया खोला T20 वर्ल्ड कप का। 13वें ओवर में विक्ट्री हासिल की। रोहित शर्मा 37 बॉल 52। आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, कसम से रोहित शर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा फेवरेट प्लेयरों में से ये एक प्लेयर है। जब ये चलता है ना, कसम से इतना जबरदस्त दिल करता है इस बंदे को देखने का, मजा आता है। से कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन, ओके, इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड, बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो लुक्ड सो ब्यूटीफुल, सो इजी, इट अपीयर्स ही हैज गॉट लॉट मोर टाइम देन द अदर बैटर्स। कि क्या शानदार किस्म की बॉलिंग हमें देखने को मिल रही है। वो टीम जो एक टाइम में फेमस हुआ करती थी अपने बल्लेबाजी के लिए, अब वो दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग लाइनअप बनी हुई है। रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन आज के गेम में, एज अ बैटर, रोहित शर्मा ने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट कंडीशंस को रीड किया और एक बेहतरीन आगाज हुआ जहां बॉलिंग ने रिस्पॉन्ड किया। फास्ट बॉलर चढ़ के आए, हार्दिक पांड्या वाज अमंग द विकेट्स, 3 विकेटें हार्दिक पांड्या, 50 और रोहित शर्मा, दोनों जो इंडिया के स्ट्रगलिंग प्लेयर्स थे बिफोर कमिंग इनटू दिस T20 वर्ल्ड कप, दोनों ने डोमिनेट किया। इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है जिस तरीके से इंडिया की टीम ने आज मैच खेला। स्पेशली मैं अगर सबसे पहले तो बॉलिंग की बात करता हूँ, बुमराह ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। द वे ही इज बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम। बचना कैसे है? बचना कैसे है? जिस तरह की जो है वो बैटिंग की है आज, बॉलिंग की है आज जसप्रीत बुमराह ने, बजा दिया पकड़ के, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी जबरदस्त जो है वो आज टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय राजनीति में टेंस माहौल के दूसरी तरफ भारत का वर्ल्ड कप का भी आगाज हो गया आयरलैंड के खिलाफ, और पहला मैच जैसा कि हम सबको उम्मीद था कि भारत को जीतना चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों, जीत के साथ शुरुआत किया। 8 विकेट्स के साथ भारत ये मैच जीता आयरलैंड के खिलाफ, और लगभग 12 से 13 ओवर के बीच में ये मैच जो है भारत ने चेस कर लिया। 97 के आसपास टारगेट था और भारत ने बहुत इजीली इसको चेस किया। एक समय पे विराट कोहली अर्ली डिपार्ट्स हो गए, फिर रोहित शर्मा की जबरदस्त 50, अगर आप देखें स्लो पिच पे, इतनी स्लो भी पिच थी लेकिन उस हिसाब से जो इस तरीके से 50 विद इन 35 बॉल के आसपास रोहित शर्मा ने लगाया है, ये काफ़ी रिमार्केबल इनिंग है। ठीक है, इसकी आप इसी से अचीवमेंट समझ सकते हैं कि इस पिच पे बहुत तेज से शॉट्स मार रहे थे ऋषभ पंत, इसके बाद फिर रोहित शर्मा खुद, लेकिन चौका ही नहीं जा रहा था। उस पिच पे 35 बॉल में 50 लगाना, जो कि फ्लैट पिचेस पे नहीं लगती भारत की और दुनिया की, तो स्लो पिच पे 35 बॉल पे 50 लगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रोहित शर्मा के लिए, और इसी के साथ उनके वर्ल्ड कप का भी आगाज हुआ है। बॉलिंग्स तो भाई टॉप बॉलिंग रही है, टॉप नॉच बॉलिंग रही है, 97 रन के अंदर सिमेटना किसी भी टीम को इट्स नॉट अ ईजी जॉब, और वैसे भी आयरलैंड इतनी भी वीक टीम नहीं है। हमने देखा है कि पास्ट में आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तक की टीमों को अपसेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल इट्स अ हैवी विन, बहुत अच्छा मैच रहा और बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया, इस बार वर्ल्ड कप जीत के ही आना है। के डोमिनेट करते हुए इंडिया ने अपने खातिया खोला T20 वर्ल्ड कप का। 13वें ओवर में विक्ट्री हासिल की। रोहित शर्मा 37 बॉल 52, एक ऐसी विकेट के ऊपर जहां विराट कोहली भी ये नसुआ क्रिकेट ग्राउंड की विकेट को टेम नहीं कर सके। क्या बेहतरीन इंटेंटफुल लगाज था रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा जब IPL से बाहर निकल के आए सो बहुत लोग को शक व शुबात थे, एक तरफ विराट कोहली थे जहाँ रन के अंबार थे IPL में, और एक तरफ रोहित शर्मा थे जिनके पास रन नहीं थे लेकिन वो सेल्फ बिलीव जरूर था। रोहित शर्मा ने एज अ कैप्टन आज के गेम में, एज अ बैटर, रोहित शर्मा ने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट कंडीशंस को रीड किया और एक बेहतरीन आगाज हुआ जहां बॉलिंग ने रिस्पॉन्ड किया। फास्ट बॉलर चढ़ के आए, हार्दिक पांड्या वाज अमंग द विकेट्स, 3 विकेटें हार्दिक पांड्या, 54 रोहित शर्मा, दोनों जो इंडिया के स्ट्रगलिंग प्लेयर्स थे बिफोर कमिंग इनटू दिस T20 वर्ल्ड कप, दोनों ने डोमिनेट किया, दोनों ने लीड किया और दोनों ने विकेट प्रोवाइड की। कंडीशंस के ऊपर बहुत एक मैसिव डिबेट है, डोसाइल कंडीशंस स्पेशली आउटफील्ड के ऊपर। हालांकि रोहित शर्मा ने एक ही ओवर में, ऐसा लग रहा था कि 3 चौके होने चाहिए थे लेकिन रोहित शर्मा को एक ही छक्का मिला, एक ही चौका मिला, क्योंकि बॉल लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, बॉल टिप्पा खाई और टिप्पा खा के वहीं मर गई। बॉल ने बोला भाई साहब मैं अमरीका आई हूँ, अमरीका में ही रहना चाहती हूँ, मैं बाउंड्री पार नहीं करना चाहती। सो बेहतरीन आगाज रोहित के लिए, बेहतरीन आगाज टीम इंडिया के लिए, बेहतरीन आगाज अर्जदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज। मेरे ख्याल से इस गेम से इंडिया और कोई बेहतर चीज़ें मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर नहीं सकता था। एक परफेक्ट स्क्रिप्ट था टीम इंडिया का, जहाँ टॉस आपके हक में गया, बॉलिंग आपने ली,
बॉलिंग के जो प्लान्स थे, अपने बॉलर्स को कब यूटिलाइज करना है, वो बिल्कुल सही डिसीजंस थे। प्लस फिर प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया। देखें, कप्तान एक कोच सिर्फ स्ट्रैटेजी बना सकता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्ड प्लेयर्स ने करना होता है, और प्लेयर्स ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, मेरे ख्याल से वही आज की टॉप स्टोरी है। रोहित शर्मा के ट्रस्ट को, मोहम्मद सिराज, हालांकि आज कंडीशंस देख के जहाँ पेसर्स के लिए इस विकेट के अंदर बहुत कुछ मौजूद है, स्पिनर्स का बॉल भी ग्रिप करता है, आसान नहीं है कंडीशंस, चढ़ के खेलना पड़ेगा। अब मैं आप लोग को जिस तरह बता रहा था, लोग बोले नहीं जी ये तो आयरलैंड है, ये तो 100 रन भी नहीं बनाए इन्होंने। मैं आपको बोला था आयरलैंड की बैटिंग बुरी थी, आयरलैंड की स्ट्रैटेजी बुरी थी, आयरलैंड ने बुरा खेला, इंडिया की बॉलिंग चढ़ के आई, इंडिया की बॉलिंग को वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने बिल्टअप किया आईपीएल से बाहर निकल के, और इन कंडीशंस देखें यार, बात वहीं आके टकती है। बहुत सारे लोग इन कंडीशंस को डोसाइल कह रहे हैं, बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि कंडीशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक अच्छा डियास्पोरा टीम इंडिया का यहाँ आया, क्योंकि आयरिश फैंस आपको दिखने की तादाद में नहीं थे, अगर होंगे भी तो मेरे ख्याल से महज 100 से ऊपर भी नहीं होंगे। और आप मुझे बताओ कि किस तरह इस पिच पे इंडिया 12 ओवरों में चेज कर गया, किस तरह रोहित शर्मा 52 कर गया, किस तरह ऋषभ पंत छक्का मार के मैच फिनिश कर रहा है। ओ ना मेरे पास, मैंने एक चीज हमेशा याद रखी, मैंने बोला था इंडिया जैसी कंफर्टेबल टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं है। उन्होंने आयरलैंड को सिंगल हैंडेडली हराया, वन साइडेड मारा आयरलैंड को इंडिया ने वन साइडेड मारा है। ओ मेरे घंटे के किंग, अब आओ ना बहरे और आप बोलो आके इंडिया भी पिच पे फंसेगा, ये भी होगा, फलाना होगा, टमगाना होगा, मेरा घंटा होगा, मेरा छनकना होगा, मेरा जो है वो पू पू होगा। इंडिया ने पहल दिया उतर, इंडिया ने पहल दिया। इसका क्या होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें भी ले ली हैं, रोहित ने एक स्लो विकेट पे जो है वो पुल पे छक्का भी मार दिया है, रोहित ने टफ पिच पे 50 भी मार दिया है, इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, ये तो गया ना फिर मेरे घंटे का किंग। बॉब्जी क्या करेगा, बॉब्जी तो गया ना फिर मेरा कंटेक्ट फैन पर निकलो। मुझे बताओ कि इंडिया इस पिच पे क्यों मार के गया बैटिंग में। मैंने बांग्लादेश वाले मैच में एक बात की थी, मैंने बोला था कि ये जो बकवास कर रहे हैं ना बैठ के, इंडिया अपने स्किल पे 182 करके गया था उधर, तुक्के से नहीं था करके गया, अपने स्किल पे 182 मार के गया था, और अपने स्किल पे उन्होंने बांग्लादेश को हराया था। पिच का कोई कमाल नहीं समझता मैं इसमें। आज फिर इंडिया अपने स्किल पे आयरलैंड को 96 पे ऑल आउट कर रहा है, और अपने अपने स्किल पे इंडिया पेल रहा है पकड़ के जाओ आयरलैंड को, अपने स्किल पे रोहित शर्मा ने मारा जाओ पकड़ के, और एक टफ पिच पे ऊपर रोहित शर्मा पुल पे छक्के मार रहा है। ये कोई मजाक की बात है, मजाक समझ दो इसको। अब भाई टफ पिच पे जहां अनइवन बाउंस हो रहा है, उधर पेल रहा पकड़ के इंडिया, उधर इंडिया पकड़ के मार रहा है, और आप इस बात को आसान समझ रहे हो। तो दोस्तों, भारत का जीत के साथ आगाज हो गया और पाकिस्तान रोए ना, ये तो मतलब डिफरेंस बात हो जाती है ना। तो रोना धोना पाकिस्तान में चालू है कि भारत को एक्स्ट्रा मिल गए। अभी तक ये खबर निकल के सामने नहीं आई कि बॉल में चिप लगी है, लेकिन आप देखना जैसे जैसे भारत मैच जीतता जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से ऐसे वाहियात और दिमाग की कमी वाले बयान निकल के सामने आएंगे। ठीक है कि भारत टीम को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल गई, बैट में चिप, बॉल में चिप, बैट में स्प्रिंग, ये सब अभी पाकिस्तान, ये सब जादुई और ये सब जोकर वाली बातें अपने मुंह से पाकिस्तानी निकालना शुरू करेंगे। आयरलैंड दोस्तों पाकिस्तान को कई बार बजा चुकी है, कई बार ठोक चुकी है, और एज जैसा कि उम्मीद है तमाम क्रिकेट फैंस को, भारत ने तो आयरलैंड को ईजिली हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो आयरलैंड का मैच है भारत के बाद, उसमें आयरलैंड के जीतने के चांस ज्यादा है पाकिस्तान के खिलाफ। क्या भारत का अगला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, इसी वेन्यू पे है जहां हुआ है, और रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही होगा, आप लोग जरूर वो मैच देखना 9 तारीख यानी इस जो संडे आने वाला है, सोम
उसी को है, संडे को ही, हाँ हाँ संडे को ही, ठीक है। तो जिस तरीके से भारत की बॉलिंग की बात करें, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, सब टॉप नॉच फॉर्म है, लेकिन भाई अर्शदीप सिंह की जो फॉर्म है रन देने की वो अलार्मिंग है, क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भी अर्शदीप सिंह ने अच्छे खासे रन खर्चे हैं। नो डाउट इन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन भारत को एक अलार्म की जरूरत है कि भाई थोड़ा सा हरदीप सिंह और प्रैक्टिस करें, जैसा मुझे लगा। हार्दिक पांड्या ने भी रन दिया लेकिन विकेट भी लिया साथ के साथ, और हार्दिक पांड्या तो बैट के साथ भी कमाल कर सकते हैं, लेकिन हरदीप सिंह के साथ कंसर्निंग हो जाएगा अगर वो विकेट्स लेंगे और इतनी भयंकर रन देंगे आयरलैंड जैसे टीमों के खिलाफ, तो दिक्कत है भाई। जो भी है, टीम इंडिया अच्छी जीती है, तो मैंने सोचा आपको कमियां भी बताता चलूं। विराट कोहली से ओपनिंग कराया, हालांकि वो एज लग के पीछे चला गया, वो आउट हो गए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये सब गलतियां नहीं चलेंगे। खास करके बॉलिंग में अर्शदीप सिंह को भाई सुधारने की जरूरत है। मैं मानता हूँ एक दो मैच खराब हो जाता है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ खराब होने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। और प्रैक्टिस की जरूरत है भारतीय बॉलिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ तो मस्ट विन गेम है, और इस बार वर्ल्ड कप भी मस्ट ही है भारत के लिए। तो जुड़े रहे ऐसी वीडियोज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।